तो अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पार्ट पर, मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, उसको भी आप देख सकते हैं। यहां पर जो मैं लेके आया हूं बच्चों, वो है क्वेश्चन लास्ट ईयर के डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल और रीजन लेवल। यहां पर अब बच्चों देखो, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो कुछ पहले भी कराया था। जी हाँ कराए थे, लेकिन होता क्या है कि आपको सभी बच्चों को एक टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते, वो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे ए बी सी इस तरीके से। तो ये अलग पार्ट है, लेकिन देखो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, और इसको कराने का एक ही पर्पज है कि आप इसको देख के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। आइए करना शुरू करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन तो वैसे ही है, देखिए। ए मैन गो 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 19,800। अब पहले जो पार्ट में था उसमें 12,000 था, ठीक है ना। अब इसमें भी ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करनी है? ओरिजिनल सैलरी। अब बच्चों यहां पर ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, ठीक है ना। ओरिजिनल करनी है ना, तो ओरिजिनल सैलरी देखो यहां पर मैं लिखता हूं ओरिजिनल सैलरी, तो यहां पर लिखना है न्यू सैलरी, ठीक है, और इनटू में कर देना 100, और यहां पे 100 प्लस इंक्रीजमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट कितनी हुई है यहां पर? 10%, तो 10% लिख देता हूं, या 10 ही लिख देता हूं क्योंकि परसेंट के लिए ऊपर लगा दिया मैंने। इससे क्या है आपकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी, तो 19,800 इंटू 100, और यहां पर ऐड करना है। ऐड इसलिए किया क्योंकि इंक्रीज जब होते तो बढ़ जाती है, ठीक है ना, इसलिए ऐड किया, तो 110 आ गया बच्चों यहां पर। अब जीरो से जीरो कट गई, 11 से काट देते, 11 वन जा 11, 8 बच गया, 11 8 जा 88 और 10। अब 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आप 18 को 1 से कीजिए ना सीधा मल्टीप्लाई, 20 इसमें 10 तो 30 लगा दीजिए, तो ये उसकी ओरिजिनल सैलरी आ गई बच्चों 18,000। ये आपका आंसर आ गया। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से, सिर्फ नाम वही है, बाकी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें भी श्री परचेज करता है एक हेयर ड्रायर, ठीक है, कितने का? 6,000 रुपीज का यहां पर, तो यानी और इंक्लूडिंग 20% वैट, इसके अंदर 20% वैट भी इंक्लूडिंग है, तो हमें प्राइस बताना है, यानी कि दुकान जो शॉपकीपर है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करनी है वैट से पहले की प्राइस, यानी वैट तो शॉपकीपर ने लगाया है, आप अगर लेने जाए आप खरीदने जाए तो लगाया है ना वैट, लेकिन दुकानदार को कितने में पड़ा हमें वो रेट फाइंड आउट करना है, यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, वैट हटाकर करनी है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस इंटू 100 और यहां पर 100 प्लस, क्योंकि वैट ऐड किया गया है तो इसलिए ऐड कर देते हैं 20, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो 6,000 इंटू 100 और यहां पे ऐड किया तो 120, इस तरीके से। जीरो से जीरो, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और यहां पर जीरो, तो 5 1 जा 5 हो गया, और 1 2 3 3 0 हो गई, ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो यानी हेयर ड्रायर का जो प्राइस है वैट ऐड होने से पहले 5,000 था, आप उसको लेने जाएं तो वैट उसमें लग गया, तो आपको फिर ये 5,000 का नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 6,000 का, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी कुछ ऐसे ही है। अब देखो वहां पर पहले क्वेश्चन में था क्या, शूज थे, इसमें दे दिया बच्चों, हाँ सॉरी रोलर स्केट ही स्केट्स थे, इसमें भी वही है, शूज नहीं, शूज वाला लगता। देखो द कॉस्ट ऑफ, यहां पर ये हटा देता हूं, ये अलग लिख दिया, ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज 1,800 तहसील टैक्स। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस है बच्चों, किसका? रोलर स्केट्स का 1,800,
अब इसके ऊपर टैक्स लग गया बच्चों, टैक्स लग गया। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, 5% सेल टैक्स लग गया। अब इसका हमें निकालना, बिल अमाउंट निकालना है, लिखा ना फाइंड द बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट निकालना है, तो बिल अमाउंट कैसे आएगा, पहले हम क्या करेंगे, टैक्स को अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 5% मीन्स 5/100 इंटू 1800, और इसको प्लस कर देना है 1800 में ही, तो आपका क्या निकल आएगा, बिल अमाउंट आपका निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 20 से 20 हमने डिवाइड कर दी, 18 × 5 = 90। अब जो 5% था वो अमाउंट में आ चुका है 90 रुपीज में, और इसको हमें ऐड कर देना है 1800 में, तो बन गया बच्चों यहाँ पर 1890 रुपीज। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।